Assalamu alaikum, respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज बात करने जा रहा हूँ मैं फर्स्ट एड ऑफ हाइपरटेंशन। अगर किसी को घर पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या पीना चाहिए। लोग जो है अक्सर तरह तरह के जो है जुशांदे तरह तरह के कहवे घर पे दे के लाते हैं, जूस पिलाते हैं, जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज पिलाते हैं, कोई शरबत पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, नमक डाल डाल के जो है स्प्राइट वगैरह पिलाते हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको तरीका आना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने का। जो भी ब्लड प्रेशर चेक करे वो रिलायबल होना चाहिए, दैट शुड बी बाय अ स्किल्ड पर्सन, और जो वो चेक करके जब बताए तो रिलायबली बताए। अगर मरीज आपका एंग्जाइटी का पेशेंट है तो मरीज के मुँह पर प्लीज़ मत बताएं, थोड़ा सा साइड पर होके, या उसकी इंटेंसिटी इतनी, वर्डिंग जो सिलेक्शन ऑफ वर्डिंग है वो बड़ी आपकी जेंटल होनी चाहिए कि जी थोड़ा सा बीपी हाई है, इसके लिए मेडिसिन कुछ कर लेते हैं, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो है ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल करें कि ओह वो बीपी हाई हो गया। अगर आप अपनी आंखें ऐसे खोल देंगे, वो परेशानी में करेंगे, तो पेशेंट तो बेचारा पहले से ही जो है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट और एंग्जाइटी का पेशेंट है, उसका जिस्म उसे फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर देगा, उसका एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्सजरेट हो जाएगा और पेशेंट जो है मजीद हाइपरटेंशन में चला जाएगा, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसकी वेसल्स की टोन मजीद बढ़ जाएगी और मजीद उसका बीपी शूट कर जाएगा। सबसे पहले ये ज़रूरी अमल है कि एंग्जाइटी एनवायरनमेंट में एंग्जाइटी नहीं फैलानी है, एनवायरनमेंट में जो है वो खौफ नहीं फैलाना कि जी वो मरीज का तो बीपी बहुत हाई है। आराम से बताना है कि थोड़ा बीपी हाई है, इसका कुछ हल करना पड़ेगा, या डॉक्टर के पास चलते हैं, या आपको अगर डॉक्टर ने रूटीन को मेडिसिन एडवाइस की हुई है जो कि आप लेते हैं बीपी हाई होने की सूरत में, तो वो आप ले लें, वो इस्तेमाल करें। नंबर वन। नंबर टू, आपने पेशेंट को कोई चीज़ खाने पीने की ऑफर नहीं करनी, किसी कहवे से, किसी जोशांदे से, किसी ग्लूकोज के पाउडर से, या ग्लूकोज के शरबत से, या किसी और ठंडी चीज़ से बीपी डाउन नहीं होता। जितनी भी चीज़ें आप, जिनको आप ठंडी चीज़ें कहते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो स्कॉच हो, चाहे वो कोई हर्बल टाइप हो, जैसे जामनशीरी या रूह अफजा टाइप है, या एनर्जाइल है, या टैंग है, इस तरह की कोई भी चीज़ मरीज़ को इमीडिएटली हाइपरटेंशन को कम करने में फ़ायदा नहीं करेगी, बल्कि नुकसान करेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर ना सिर्फ ग्लूकोज है बल्कि सॉल्ट्स भी हैं, नमक भी है, मुख्तलिफ तरह के नमकियात हैं, और उस पेशेंट को जब नमक मिलेगा तो उसका बीपी और हाई होगा, लो नहीं होगा। उसको पानी मिलेगा ज़्यादा, उसका बीपी हाई होगा, लो नहीं होगा। उसको ग्लूकोज मिलेगा, उसकी वेसल की टोन और बेहतर होगी, उसको बीपी हाई होगा, लो नहीं होगा। प्लीज़ इसको समझें। फिर क्या करते हैं जी कि उसको नमक डाल के स्प्राइट पिला दी, नमक डाल के सेवन अप पिला दी, या उसको जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिलाने की कोशिश की, या ठंडी चीज़ खिलाने की। ठंडी चीज़ सब की सब, जिन चीज़ों को हम आम अल्फाज में ठंडी कहते हैं, ये ठंडी नहीं है, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर जो है वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यानी ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज होता है, जो कि इमीडिएटली आपके जिस्म को बूस्ट देते हैं। तो जब बीपी ज़्यादा है तो हमें बूस्ट नहीं चाहिए, हमें तो सुकून चाहिए। पेशेंट को खाने पीने को कुछ ऑफर ना करें, पेशेंट को जो है वो ड्रिंक्स, कोई ऐसी फिजी ड्रिंक्स, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। इस पेशेंट को आप सुकून में रखें, उसे कहें आप अपनी यूजुअल मेडिसिन लें बीपी वाली, और आराम करें और सादा पानी लें। कोई ऐसा मशरूब नहीं लेना जिसमें जायका हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिसके अंदर नमक हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी जिसे आप ठंडी कहते हैं, ठंडी गज़ा है जी, ठंडी गज़ा ले लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो, और बीपी एकदम डाउन हो भी नहीं सकता, कुछ चीज़ें जो फ़ायदा कर सकती हैं, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम के बाद फ़ायदा करेंगी, इमीडिएटली फ़ायदा नहीं करेंगी। मसलन आपने ले लिया जी इसबगोल का छिलका ले लिया, अब इसबगोल का छिलका अंदर जाएगा, वो आपकी आंतों से, आपके जिस्म से एक्स्ट्रा पानी निकालेगा, तो फिर काम बनेगा, फिर असर आएगा, उसका असर बहुत देर में आएगा। फिर अगर आप ज़ुबान के नीचे कोई गोली रख लेते हैं, ज़ुबान के अंदर या मुंह के अंदर कोई गोली रख लेते हैं जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है, तो वो भी 30 मिनट से 40 मिनट में काम करेगी। और ये भी याद रखें कि कभी भी बीपी को इमीडिएटली डाउन लाना मकसद नहीं होता। बीपी एकदम डाउन आएगा तो पेशेंट का जो दिमाग की ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, उसके दिल की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी वाले अमल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा धीमे धीमे सुकून से बीपी डाउन लेके आना है। आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है मरीज़ के जहन में उसको कंट्रोल करें, और पेशेंट को कुछ खिलाने पिलाने से अवॉइड करें, उसका खाना मज़ीद हल्का कर दें। अगर उसको भूख भी लगी हुई है तो खाना मज़ीद हल्का कर दें।
कुछ लोगों को बीपी हाई की सूरत में अलामत होती हैं, सर दर्द होता है, आंखें भारी हो जाती हैं, सर में शदीद पेन होता है। ये जो है ना, ये बहुत शदीद हाइपरटेंशन में होता है, और इसका मतलब होता है कि पेशेंट को अभी एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उसको ये ऑर्गन जो है इनको डैमेज हो रहा है। लेकिन आमतौर पर बीपी हाई की कोई अलामत नहीं होती। लोग अक्सर जो है वो हेडेक को बीपी के साथ एसोसिएट करते हैं, गुस्से को बीपी के साथ एसोसिएट करते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। अगर आप गुस्से की हालत में और आपने बीपी सिर्फ गुस्से की हालत में चेक करवाते हैं और हर दफा गुस्से की हालत में चेक करवाते हैं और बीपी हाई होता है, तो इसका मतलब है आप जब गुस्से में नहीं होते तब भी आपका बीपी हाई होता है। जिस वक्त आपका सर दर्द नहीं होता उस वक्त भी आपका बीपी हाई होता है। इसका ये मतलब है कि आपको बीपी का लगातार मसला है, सिर्फ सर दर्द की सूरत में आपको बीपी का मसला नहीं है। इसलिए आप उस वक्त भी बीपी चेक करवाएं जिस वक्त आपको सर दर्द नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई बीमारी आई है, किसी और बीमारी ने मसलन साइनोसाइटिस आया है, सोर थ्रोट आया है, उसकी हालत में आप बीपी चेक कराते हैं और बीपी हाई आया है, तो वो हो सकता है जिस वक्त साइनोसाइटिस और फीवर और सोर थ्रोट आपका ठीक हो जाए, तो उस वक्त आपका बीपी नॉर्मल वापस आ जाए। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात रिगार्डिंग फर्स्ट एड ऑफ हाइपरटेंशन एट होम। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसको रिकमेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।